नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में हम बात करने वाले दोस्तों IRFC के शेयर में, जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर है दोस्तों, जो कि रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करती है कंपनी, जो कि इसका नाम ही IRFC रखा गया है। जो कि यहाँ पर इस शेयर का प्राइस है दोस्तों 173.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग हुआ है बंद ट्रेड करते हुए, और 0.95 पैसे की बढ़ोतरी स्टॉक में रही है। 0.32% का रिटर्न एक दिन में यहाँ पर स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर आप स्टॉक के देख सकते हैं दोस्तों, एक सपोर्ट जोन के साथ यहाँ पर स्टॉक था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, भारी ब्रेकआउट, जिसकी वजह से एक मोमेंटम यहाँ पर ट्रेड हुआ है और यहाँ पर बाय मोमेंटम मार्केट के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर 170 रुपये का सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया है। इसके साथ अगर 170 से ऊपर ही रहा है तो 180 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक मोमेंटम बन सकता है। 190 रुपये से लेकर 200, 250, 300 रुपये तक के 200 के शॉर्ट टर्म टारगेट बनते सकते हैं। 200 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 250 और 300 रुपये के लॉन्ग टर्म नज़रिया स्टॉक में बनता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ से नीचे अगर ब्रेकआउट करता है 160 से लेकर 150 रुपये का एक सपोर्ट जो है स्टॉक में, और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो 140 से लेकर 130 रुपये पर स्टॉक वापस रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है IRFC के शेयर में। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।